दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सवलन के स्पेशल एपिसोड 2009 के पार्ट 2 पर, तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करना। अभी तक अपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर वीडियो को देखना। टैंक्स उनको बचाने के लिए खुद ही सीक आउट अपीयर हो जाते हैं। इसको देखकर बिबिदुन कहती है, ये गोल्डन ऑरा की वजह से मैं अपनी माइंड पावर को नहीं संभाल पा रही हूँ, अपनी पावर को भी नहीं यूज कर पा रही हूँ। अभी के लिए मेरे डेथ को डोमेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैंने पहली बार इस तरह की ऑरा को फील किया है, जिसे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या ये सी गॉड का अवतार है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब टैंक्सन सी गॉड का सक्सेसर है। जिसे सीन में हम देखते हैं सी गॉड को टैंक्सन से कहते हैं, टैंक्सन मैंने हजारों साल सी गॉड में गुजारा है, जहाँ पर रहने के बाद मुझे सी गॉड पोजीशन मिला है, जिसके बाद मैंने अपनी गोल्डन वेपन के लिए 13 ऐसी टेक्निक बनाए हैं, जिनको यूज करने के बाद वो अपनी गॉड की इजीली इनविजिबल बन सकते हैं। जिनमें से 3 ऐसी टेक्निक आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो कहते हैं सी गॉड ट्रायंड का एक टेक्निक यूज करने लगती है, ताकि टैंक्सन इसको सीख सके। इस टेक्निक को यूज करते ही पानी का एक चक्र बना देते हैं, बिबिदुंग और सोल मास्टर के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसे बचाने के लिए सारे सोल मास्टर और बिबिदुंग भी बहने लग जाते हैं। जिसके साथ टैंक्सन कहता है, मुझे अभी के लिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, सी गॉड इतना यूनिक टेक्निक कर रहे, मुझे अभी इस पानी का चक्र काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे। इन सारे रिंग के पास आइस मौजूद थे, सारे सोलो मास्टर की पीछे नहीं छोड़ रही, मुझे इस टेक्निक यूज होने का कोई भी इशू नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं बिबिदुंग, जो कि सी गॉड की इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा तंग आ जाती है। बिबिदुंग अपनी सिक्स्थ सोल टेक्निक को यूज करती है, जिसे देखते ही फ्लोर ग्रैंड सोल मास्टर कहता है, ये टेक्निक एक सिंगल अटैक एबिलिटी है, जो कि एम्परर की काफी ज्यादा लॉन्ग सिंगल एबिलिटी से एक है, और जब के वक्त इस टेक्निक अटैक किसी को भी टच होता है, उनकी बॉडी बोन स्टार्ट हो जाता है, जिसके वो बचाने के लिए अपनी स्पिरिट पावर को जरिए ही यूज करना होता है। जिससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे सोलो मास्टर अपने सोल प्रोटेक्टिव बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि इस अटैक को भी रोक सके। फ्लावर सोलो मास्टर दोबारा से कहता है, हम लोग अभी के लिए अपनी पावर को भी यूज करने वाले हैं, ताकि हम लोग इन्हें एक साथ अटैक कर एम्परर को जिता सके, एम्परर को जितनी हेल्प हो सके उतना हेल्प कर सके। इसके बाद हम देखते हैं सी गॉड यहाँ पर और भी ज्यादा पानी के चक्र बना देते हैं। इन सारे सोल मास्टर का अटैक और बिबिदुंग का अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके साथ बिबिदुंग कहती है, इमोर्टल स्ट्राइक इजीली कैसे रिमूव हो सकती है? सारे सोल मास्टर परेशान हो जाते हैं। फ्लावर सोल मास्टर कहता है, मैंने आज तक पहले इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं देखी थी, और ना ही इतना ज्यादा ग्रेट पावर को देखी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं बिबिदुंग को, जो कि कहती है, मैं इसी से पहले इतनी ग्रेट पावर को नहीं देखी थी, जो कि वाटर में से आई हो। जिसके साथ ही फ्लावर सोल मास्टर दोबारा से कहता है, हम चारों अटैक इतनी इजीली कैसे रिमूव हो सकते हैं? इसी के साथ ही टैंक्सन कहता है, इस ये गॉड का टेक्निक है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, एक सिंपल की अटैक है बावजूद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं सी गॉड सेकंड टेक्निक को यूज करने लगती है, जो कि इस टेक्निक सारे टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। हमारे एनिमी कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो एनिमी एक मिनट के लिए एक ही जगह पर जाम हो सकता है। इसको देखकर बिबिदुंग सेकंड स्पिरिट बॉडी को अपनी फर्स्ट स्पिरिट बॉडी में रिप्लेस कर लेती है। जिसे देखते ही टैंक्सन कहता है, बिबिदुंग अपनी स्पिरिट बॉडी को काफी ज्यादा जल्दी से रिप्लेस कर सकती है, अगर ऐसी बात है तो आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। जिसके साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिबिदुंग अपनी 9th सोल टेक्निक यूज करने लगती है। जिसे देखते ही टैंक्सन कहता है, ये कंट्रोल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, ये टेक्निक अपने अपोनेंट को किसी टाइम में सील कर सकती है। सी गॉड अपनी टेक्निक को यूज करने लगती है, जिसे यूज करते ही पानी में से दो बड़ा वेल्स बाहर आती है, ये आते ही बिबिदुंग और सारे सोल मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण सारे सोल मास्टर और बिबिदुंग का भी काफी ज्यादा पेन में चले जाती है, ये काफी ज्यादा इंजोर भी हो जाते हैं। यहाँ पर बिबिदुंग हालत खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद टैंक्सन दोबारा से कहता है, तो ये गॉड की टेक्निक सी गॉड टैंक्सन से कहते हैं, अभी के लिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। कहते ही अपनी थर्ड टेक्निक यूज करते है, बिबिदुंग की तरफ अपने टायरन को फेंकता है, जिसकी वजह से बिबिदुंग की बॉडी पिघल जाता है। टैंक्सन सी गॉड से कहता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सी गॉड टैंक्सन से कहते है, इन तीनों टेक्निक को मास्टर करने के बाद तुम अपने आप को बहुत ही इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिसके साथ ही टैंक्सन सी गॉड से कहता है, आज की हेल्प के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। सी गॉड टैंक्सन से दोबारा से कहते हैं, ये बात कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे तुम सी गॉड बन जाओगे तो तुम इन 30 टेक्निक को टोटली मास्टर कर पाओगे। टैंक्सन सी गॉड से प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी टैलेंट का ह्यूमिलेशन नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर सी गॉड काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है। टैंक्सन को शाबाश कहते हैं, अभी के लिए तुम्हारे सारे पावर खत्म हो चुके हैं, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। जिसके साथ ही टैंक्सन अपनी टैलेंट को पकड़ता है, उसको दामिंग अर्मिंग का ख्याल आता है, टैंक्सन पास जाने लगता है, और उसके साथ ही हमारा पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।